हेलो एवरीवन, सबको स्वागत है मेरे चैनल और प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे। आज का वीडियो पे हम बात करेंगे R15 V3 2000 किलोमीटर रन करने के बाद उसका कंडीशन क्या होता है और क्या क्या इसका एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है और क्या क्या दिक्कत फेस करना पड़ता है और क्या अच्छा लगता है। इस वीडियो पे हम इस विषय को लेके बात करेंगे। तो बात करने से पहले, आप अगर पहली बार मेरे चैनल ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन को और बेल आइकन को दबाइए इस तरह का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शो करना चाहता हूँ मेरा 2000 किलोमीटर रन हुआ या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा ऑलरेडी 1843 किलोमीटर रन हो चुका है। तो लगभग 2000 मान लो हो चुका है। तो मैंने सोचा इसका जो है, जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिला है 2000 किलोमीटर रन करने पे, वो आपको, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सोचा ये वीडियो बना लो, तो मैंने ये वीडियो क्रिएट किया। तो आप लोगों को पता चल गया 2000 किलोमीटर रन हो चुका है। तो मैंने 2000 किलोमीटर रन किया उस बाइक से, तो उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम जो है कुछ नहीं लगा। एक मुझे प्रॉब्लम लगा जो आपके यहाँ पे अगर बारिश का दिन होता है और जो ये जो बैक टायर आप देख पा रहे हो उसमें अगर पीछे कोई बैठा होता है तो उसमें थोड़ा सा जो वहाँ पे क्या बोलूँ डस्ट होता है, तो वो आके वो जो बैठता है उसकी जो क्लॉथ है वहाँ पे लग जाता है। इस तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और दूसरा जो है, दूसरा ये है उसका जो बैठने के बाद थोड़ा सा बैक पेन होता है। तो इसका कंडीशन और बैठने का तरीका अगर आपका समझ में आ गया तो आपका कोई बैक पेन नहीं होगा। और जो इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो तीसरी जो अभी बात करते हैं उसके एडवांटेजेस का, तो एडवांटेजेस जो मिला उसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो है ये डुअल एबीएस वाला ही है, तो अभी आप देख पाओगे ये जो डुअल एबीएस वाला ये है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे एबीएस शो हो रहा है, तो आप लोगों को पता चल चुका है। दूसरा जो है उसका जो लुक वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसके लिए मुझे बहुत सारा कमेंट मिला, बहुत अच्छा लुक है और ये बाइक देखने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, बहुत लोग ये कहते हैं। तो आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताना मत भूलिए। तीसरा जो है इसका जो स्पीड मीटर, उसका जो मीटर का डिज़ाइन वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख पाओगे उसका, यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा ट्रिप वन, तो मैंने ट्रिप वन सेट किया था जाने से पहले। तो मैंने आज 124 किलोमीटर रन किया। दूसरा जो है ट्रिप टू, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो अभी क्लॉक शो हो रहा है तो 127 हो चुका है। और यहाँ पे देख पा रहे आपका जो एवरेज है 100 किलोमीटर पे, आपका जो ऑयल है 5 लीटर पे आपका एवरेज कितना है। और तीसरी जो मुझे अच्छा लगा तो है उसकी ब्रेकिंग सिस्टम, तो ब्रेक इतना ज़्यादा अच्छा काम करता है, आपका भी मज़ा आ जाएगा आप अगर लेंगे तो। और तीसरा जो है वो है मुझे उसका जो डिज़ाइन और उसकी जो सीट की डिज़ाइन और मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्टीमेटली मुझे, मैं इस बाइक को 4.5 ही रेटिंग दूंगा। तो आपको क्या लगता है और आप अगर ख़रीदना चाहते हो तो प्लीज़ जाइए और ख़रीदिए। और कोई कन्फ्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पे आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट मिस सब्सक्राइब माई चैनल ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन।